नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं अमित भोबिया। विक्रम लैंडर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब जो खबर आ रही है वो घायल लैंडर विक्रम के लिए एक बड़ा खतरा है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। आपको याद होगा कि 22 जुलाई को लॉन्च हुआ चंद्रयान 2 लगातार 47 दिनों तक सफर करते हुए हजारों मुश्किलों के बाद चांद के करीब पहुंच गया था। 7 सितंबर को तड़के सुबह 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच लैंडर विक्रम को अपने अंदर रखे रोवर प्रज्ञान के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरना था, लेकिन मात्र 2.1 किलोमीटर पहले वो अपना रास्ता भूल गया और उसका इसरो से संपर्क टूट गया। लेकिन बाद में खबर आई कि विक्रम बिल्कुल सुरक्षित है, यानी सेफ है। विक्रम चंद्रमा की सतह पर तिरछा पड़ा है और उसमें कोई टूट फूट नहीं हुई है। ऑर्बिटर ने लैंडर विक्रम की तस्वीर भी भेजी थी। अब लैंडर विक्रम से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जो आप सबको चौंका देगी, जिससे विक्रम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल लैंडर विक्रम पर चंद्रमा की ठंड का कहर बढ़ रहा है। इस वक्त लैंडर विक्रम को सूरज की किरणों की बहुत जरूरत है ताकि उसका सोलर सिस्टम काम कर सके। जैसे ही सोलर सिस्टम काम करेगा, लैंडर विक्रम की बैटरी रिचार्ज हो जाएगी और फिर से आसानी से उससे संपर्क हो सकेगा। लेकिन मुश्किल ये हो रही है कि चंद्रमा की सतह पर ठंड बेहद खतरनाक है, खासकर साउथ पोल में। वहां तो तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और लैंडर विक्रम ने भी साउथ पोल में ही लैंड किया है। ये चंद्रमा का एक ऐसा इलाका है जहां पर आज तक कोई भी देश नहीं पहुंचा। ये ठंड लैंडर विक्रम के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। दोस्तों, अब लैंडर विक्रम से संपर्क साधने के लिए इसरो के पास मात्र 10 दिन बाकी हैं। 21 सितंबर तक ही लैंडर विक्रम से संपर्क करना संभव हो सकता है, उसके बाद नहीं, क्योंकि उसके बाद लूनर नाइट्स शुरू हो जाएंगी और हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। साउथ पोल का ये हिस्सा एकदम काला पड़ जाएगा, सूरज की किरणें इसकी तरफ नहीं जाएंगी। 7 सितंबर से 21 सितंबर तक ही विक्रम को सूरज की रोशनी मिलनी थी। लैंडर और रोवर को इन 14 दिनों में बहुत काम करना था, जिसमें से अब 5 दिन निकल गए हैं और अब मात्र 10 दिन बाकी हैं। विक्रम लैंडर से संपर्क करने के लिए इसरो के वैज्ञानिक कर्नाटक के एक गांव व्यालुलु से 32 मीटर के एंटीना का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका स्पेस नेटवर्क सेंटर बेंगलुरु में है और इसरो कोशिश कर रहा है कि ऑर्बिटर के जरिए विक्रम से संपर्क किया जा सके। इसरो लैंडर के साथ फिर से संपर्क स्थापित करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। इस मिशन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।